बेटमा की ऐतिहासिक एवं गौरवशाली परंपरा में डोल ग्यारस के अवसर पर विभिन्न समाजों द्वारा निकाले जाने वाले डोल अखाड़े एवं झिलमिलाती नैनाभिराम झांकियों का कारवा आकर्षण का केंद्र रहता है, जिसे निहारने के लिए नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों की संख्या में महिला पुरुष बेटमा पहुँचते हैं, जिसके चलते शाम होते ही बेटमा की सड़कें दूधिया रोशनी से भर गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। इस बार 5 झांकियां नगर में निकाली गई, जिसमें श्री कृष्ण ग्रुप की भगवान शिव तांडव प्रसंग की झांकी 40 फीट ट्रॉले पर अपनी भव्यता प्रदान कर रही थी, तो वहीं कुशवाहा मित्र मंडल की झांकी में भगवान राधा कृष्ण अपनी लीला कर रहे थे। इधर नगर परिषद बेटमा की झांकी भगवान शंकर द्वारा मार्कंडेय ऋषि की यमराज से प्राण रक्षा करते हुए दर्शाया गया था। राजबाड़ा नवयुवक मित्र मंडल ने श्रीकृष्ण रास लीला को बेहतरीन रूप में दिखाया, तो तंबोली समाज की झांकी खाटू श्याम के दर्शन भक्तों को कराती रही। झांकियों के पूर्व विभिन्न समाजों के डोल शाम होते ही अपने अपने मंदिरों से निकलकर सामूहिक रूप से गलगोया पहुंचे, जहां सभी समाजों की सामूहिक आरती की गई। आरती के बाद हरतंगेज करतब दिखाते अखाड़े सड़कों पर आए और पहलवानों ने अपने जोहर दिखाए। इस दौरान झांकी निर्माताओं, अखाड़ों के उस्ताद, कलाकारों को मेडल प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसको लेकर नगर परिषद की तरफ से धर्मवीर सिंह चौहान ने बताया कि बेटमा की इस सालों पुरानी परंपरा को लेकर नगर परिषद ने विशेष तैयारियां की थी। के अनुसार बेटमा नगर में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी सभी समाज के ढोल, सभी समाज की ओर सभी अखाड़ों की झांकियां और साथ ही नगर परिषद की ओर दूसरे समाज की भी झांकियां बेटमा में निकाली गई और सभी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के मातृशक्ति, सभी युवा साथी, सभी माता बहनें और बेटमा नगर के भी सभी मातृशक्ति और सभी लोग इस झांकी का बेटमा नगर में डोल ग्यारस के पर्व का 2 वर्षों के बाद कोरोना काल के बाद में आनंद लिया और इसमें सभी में मीडिया बंधु, सभी प्रशासनिक अधिकारी और सभी का मैं बेटमा नगर की ओर से, मेरी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ ही आज भारतीय जनता पार्टी का, गुरु नानक मंडल का, नगर बेटमा का, नगर परिषद बेटमा के मंच के से सभी अखाड़ों का, झांकी का और सभी समाज के अध्यक्षों का, पुजारियों का, सभी का स्वागत किया गया और ये परंपरा बेटमा नगर में झांकी की और ढोल की जीवित रखी है। इसमें सभी युवा वर्ग साथियों का और सभी का सहयोग रहता है और आगे भी मैं चाहता हूँ कि बेटमा में अधिक से अधिक त्यौहार मने। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। इस मौके पर विधायक विशाल पटेल भी मौजूद रहे, जिन्होंने चल समारोह को लेकर अपने योगदान की जानकारी दी और आगामी समय की योजनाओं के बारे में बताया। एक लंबे अरसे के बाद मैं देखा हूँ, कोविड की बड़ी महामारी थी और हर एक व्यक्ति के अरमा मन में रह गए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की आस्था और एक विश्वास भगवान में है और उनका जब डोल निकलता है और भ्रमण पे जब निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अनेक व्यक्तियों का, सभी का, आम जनता का कल्याण होता है। उसी आशा और विश्वास के साथ लंबे अरसे से डोल ग्यारस का पर्व यहाँ मनाया जा रहा है और हजारों की संख्या में आसपास के ग्रामीण लोग भी यहाँ एकत्रित होते हैं। मैं हर वर्ष प्रयास भी करता हूँ कि इन लोगों के बीच में रहें, इस वर्ष भी हम लोग लगातार उनके बीच में। इस बार लगातार सभी सोनी समाज, खंडेलवाल समाज हो, राजपूत समाज हो और भी अनेक माहेश्वरी समाज, सभी समाजों के ढोल के दर्शन किए, साथ ही सभी समाज के वरिष्ठ लोगों को उसमें मिला और हर एक जो पुरस्कृत जितने लोग जो अलग अलग तरीके से जो यहाँ अपने अपने कर्तव्य दिखाते हैं, प्रतिभाएं जो छुपी हुई है ग्रामीण क्षेत्र में, उनकी प्रतिभाओं का वो खुद जो कलाकार जो रहते हैं वो यहाँ जब उनकी कलाकृति दिखाते हैं तो वो देखकर हमेशा दिल प्रफुल्लित होता है। उन सबको भी हम लोग हर वर्ष
प्रोत्साहन करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं और साथ में उनको एक अलग शील्ड और मेडल के नाम पर हम अलग से उनको देते भी हैं। और ऐसे अनेक ऐसे बच्चे मैं हमेशा सभी को कहता हूँ कि जो जिनके पास प्रतिभाएँ छुपी हैं गाँव के अंदर और वो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके अंदर, तो मैं हर एक व्यक्ति को मदद भी करता हूँ। वो इंदौर से लगाकर, भोपाल से लगाकर, दिल्ली, जहाँ भी उनको लगता हो कि जहाँ हमारी संस्था के माध्यम से उनकी मदद हो सकती हो, तो हम सब करते भी हैं। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस बेटमा नगर में ही नहीं, संपूर्ण देपालपुर विधानसभा में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। नगर के इस बड़े आयोजन को देखते हुए प्रशासनिक अमला भी अलर्ट रहा। यातायात के साथ ही बाहरी फोर्स को भी बुलवाया गया था। एसडीएम, एएसपी, एसडीओपी, तहसीलदार सभी व्यवस्थाएं संभालते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बेटमा।